Hello everyone, so today we are going to make a Mediterranean dish, which is Turkish bread, also known as pita bread. Do subscribe and press the bell icon to never miss any video. Turkish bread ke liye hume chahiye 1 spoon sugar powder, 1 spoon dry yeast and 2 cup maida. Ab sabse pehle hum 1 cup lukewarm yani gungune pani ke andar 1 chamach dry yeast dal denge. अब इसके अंदर हम एक चम्मच पिसी हुई चीनी या शुगर पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्वर्ल करके मिक्स कर देंगे। शुगर ड्राई ईस्ट को एक्टिवेट करने का काम करती है। हम इसे 15 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से फोमी टेक्सचर आ जाता है, जिसका मतलब ड्राई ईस्ट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद इसके अंदर हम 1 कप दूध डालेंगे। अब इस लिक्विड से हम अपने मैदा का डो तैयार करेंगे। हमें डो काफी लूज बनाना है, तो हम बहुत ही हल्के हाथ से इसका डो बनाएंगे। इसके अंदर 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो थोड़ा और दूध भी ऐड कर सकते हैं और इसी की मदद से हम इसका अच्छे से डो बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डो थोड़ा चिपचिपा होता है, तो उसे ईज करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी मैदा और ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, जिससे कि मैदा हमारे हाथ पे नहीं चिपकती है और डो को मसलना और उसको बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसके अंदर मैदा और ऑलिव ऑयल ऐड करते रहें और इसका नरम डो तैयार कर लें। इसको अच्छी तरीके से मसलेंगे। इसे बनाने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं और हमारा डो अब रेडी है। अब हम इस डो को एक खाली बर्तन के अंदर रख देंगे और ढककर तब तक रखेंगे जब तक कि ये अपने साइज से दुगना ना हो जाए। मैंने इसे बाहर ही रखा था, तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है और अपने साइज से तकरीबन दुगने से ज्यादा हो गया है सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और इसे बहुत ही हल्के हाथ से राउंड शेप्स दे देंगे, कुछ इस तरीके से। हम इस डो पे ज्यादा दबाव नहीं देते हैं और बड़े ही हल्के हाथों से हम इसकी पेड़ियां तैयार कर लेंगे। अब नीचे हम मैदा स्प्रिंकल करेंगे चकले के ऊपर और इसे अच्छे से स्प्रेड करके इसके ऊपर हम इस ब्रेड को बेलेंगे। बेलते समय भी ज्यादा दबाव ना डालें, नहीं तो इसके अंदर के जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि हमें इसके अंदर ब्रेड की सॉफ्ट कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हम इसे मीडियम थिकनेस का बेलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इसे इतना थिक बेलेंगे और अब नॉनस्टिक पैन के ऊपर हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अब आप देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर एयर बबल्स आ जाएंगे। इस टाइम हम इसे ढक देंगे और ढक कर थोड़ी देर बेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरीके से ये एयर पॉकेट क्रिएट हो रही है। और ढके, अब आप देख सकते हैं इसमें पूरी तरीके से एक एयर पॉकेट क्रिएट हो गई है, जो हमारी ब्रेड कंसिस्टेंसी के लिए बहुत अच्छी है। इसे इसकी आंच हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे और इस पे ये गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे। As you can see, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी ये ब्रेड बना है।
इसी तरह हम सारे ब्रेथ्स को लेंगे, इसे इस तरह से हम ब्रश करेंगे विद बटर। और टॉपिंग के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कसूरी मेथी और रेड चिली पाउडर यूज़ किया है। और हमारी टर्किश ब्रेड अब तैयार है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारी ये सॉफ्ट और फ्लफी टर्किश ब्रेड तैयार हुई है, जिन्हें हम जनरली पीटा ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत एयर पॉकेट अंदर क्रिएट हुआ है और ब्रेड की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से आ गई है इसके अंदर। सो सर्व एंड एंजॉय द पीटा ब्रेड विद हमस, जिसके वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है। डू वॉच दैट एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। थैंक यू।